गुड मॉर्निंग डियर लर्नर। आज हम एक इंग्लिश स्टोरी रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, साथ में जानेंगे हिंदी मीनिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है द वुमन एंड द फैट हैन, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द वुमन मतलब महिला एंड और द फैट हैन, फैट मतलब मोटी हैन मुर्गी, यानी मोटी एक मुर्गी और एक महिला की ये स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम टाइम वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है। देयर वॉज एंड ओल्ड वुमेन, देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन, वहा था एंड एक ओल्ड वुमेन मतलब बूढ़ी औरत। हु हैड अ हैन जिसका था, हु जिस हैड या हैन मतलब जिसका था एक मुर्गी। द हैन used to lay an egg every day. The hen मुर्गी ने used to lay मतलब दिया करता था an egg एक अंडा every day हर रोज। Which जो she sold at a good price, जो वो क्या करता था sold करता था मतलब बेच देता था at a good price मतलब अच्छे अच्छे दामों से अच्छे मूल्य से अच्छा दाम से। One day एक दिन The woman thought, the woman यानी महिलाओं ने thought सोचा, oh oh, the hen is giving me an egg a day. The hen मुर्गी ने is giving मतलब देता है me मुझे an egg एक अंडा a day मतलब यहाँ हर रोज समझाने के लिए आधे यूज हुआ है मतलब हर रोज। शी मस्ट वो जरूर गिव टू एग्स अ डे इफ आई गिव हर मोर फूड। शी मस्ट वो जरूर गिव देगा टू एग्स दो अंडे अ डे एक दिन में इफ अगर आई गिव मैं दूंगी हर उसे More food और ज्यादा खाना। I will then be able to sell more eggs and earn more money. I will then be able मतलब I will मैं होऊंगा then be able मतलब सक्षम तो मैं सक्षम होऊंगा to sell बेचने के लिए more eggs और भी ज्यादा अंडे and or earn मतलब earn मतलब कमाना मोर मनी तो वो मोर मनी और मोर मनी और ज्यादा मनी हम कमाएंगे अर्जन करेंगे ठीक है। फ्रॉम दैट डे शी स्टार्टेड फीडिंग द हैन मोर एंड मोर। फ्रॉम दैट डे उसी दिन से शी स्टार्टेड वो शुरू किया फीडिंग खिलाना द हैन मुर्गी को मोर एंड मोर मतलब ज्यादा से और ज्यादा। द हैन ग्रीव सो फैट, द हैन यानी मुर्गी ने ग्रीव मतलब ग्रीव होना मतलब कुछ चीज वृद्धि पाना, सो फैट इतना मोटा हुआ तो वो इतना मोटा हुआ एंड और कंटेंट कंटेंट हुआ मतलब कंटेंट का अर्थ है कि कुछ भी चीज में परितृप्त लाभ करना संतुष्टि आना तो वो संतुष्ट हुआ कंटेंट हुआ। दैट दैट की सी स्टॉप्ड लेइंग एग्स, सी वो स्टॉप्ड मतलब बंद कर दिया लेइंग देना एग्स अंडा तो वो अंडा देना क्या क्या बंद कर दिया। नाउ अब द वुमन वाज नॉट एबल टू गेट इवन वन एग इन अ डे। नाउ अब द वुमन महिला was not able मतलब सक्षम नहीं थे to get पाने के लिए even one egg मतलब एक भी अंडा in a day एक दिन में। she regretted मतलब सी वो regretted का अर्थ है कुछ चीज में दुख होना तो वो उसका दुख हुआ ठीक है। हर एक्शंस उसका काम के लिए तो वो जो काम किया उस काम के लिए वो दुखी हुआ ठीक है।
पछतावा हुआ उसको, उसकी उसकी क्या हुआ, पछतावा हुआ। कैलकुलेशंस डू नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। कैलकुलेशन मतलब कुछ चीज में गणना करना, तो गणना है। डू नॉट ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, तो हमेशा नहीं प्रोड्यूस देता है गुड अच्छा रिजल्ट यानी परिणाम। तो कैलकुलेशन गणना हमेशा सही परिणाम नहीं देता है, ठीक है, अच्छे परिणाम नहीं देता है। मोरल, ग्रीड इज अ डेविल व्हिच शुड नॉट बी एंटरटेन्ड। ग्रीड यानी लालच इज अ डेविल होता है शैतान, व्हिच जिसका शुड नॉट बी मतलब जिसका नहीं चाहिए, शुड नॉट बी नहीं चाहिए एंटरटेन करना यानी पालन करना। एंटरटेन का अर्थ है कि पालन करना, ठीक है।